हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। चक्रवाती तूफान ताऊते पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर, गुजरात गोवा के मुख्यमंत्रियों से तैयारियों का जायजा लिया, दमन और दीव के एलजी से भी बात की। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की, तूफान पर तैयारियों के बारे में जाना। उद्धव ठाकरे ने तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया, राज्य में अब तक 6 लोगों की मौत, 9 लोग जख्मी। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, मुंबई कोविड सेंटर से 585 मरीज शिफ्ट किए गए। मुंबई के कई इलाकों में तूफान ताऊते का कहर, तेज हवाओं की वजह से 479 पेड़ गिरे। मुंबई में 13 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पानी भरा, 26 जगहों पर मकान के कुछ हिस्से और दीवारें गिरने की घटनाएं सामने आई। मुंबई में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जगह जगह पानी भरा, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले कुछ घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक बढ़ सकती है हवाओं की रफ्तार। भारतीय तटरक्षक जहाज समर्थ ने गोवा में एक नाव से 15 लोगों को रेस्क्यू किया, सभी क्रू मेंबर सुरक्षित। चक्रवाती तूफान की वजह से पणजी में चल रही है तेज हवाएं, कई जगहों पर पेड़ गिरे। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा के मुख्यमंत्री से बात की, चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान के बारे में जाना, हर तरह की मदद का भरोसा दिया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने तूफान को लेकर की समीक्षा बैठक, बोले जरूरी सेवाओं को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। ताऊते तूफान को लेकर गुजरात अलर्ट, अहमदाबाद के ढोलेरा में 962 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अहमदाबाद में लोगों के लिए बनाए गए हैं 38 शेल्टर, सभी लोगों का एंटीजन टेस्ट करने के बाद ही शेल्टर्स में भेजा जाएगा। ताऊते को लेकर पूरी तरह तैयार गुजरात, सुरक्षा बलों की 180 टीमें तैनात, सौराष्ट्र और दीव हो सकते हैं ज्यादा प्रभावित। कर्नाटक के कई इलाकों में तूफान ताऊते का कहर, 121 गांव बुरी तरह प्रभावित, 6 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के डॉक्टर्स से बातचीत की, कहा कोरोना से जंग में डॉक्टर्स का योगदान सराहनीय, देश डॉक्टर्स का ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर्स से ब्लैक फंगस पर भी चर्चा की, ब्लैक फंगस के खिलाफ जागरूक करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश के 90% से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को लगी वैक्सीन की पहली डोज, वैक्सीन लगने से वर्कर्स हुए सुरक्षित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO की एंटी कोविड दवा 2DG लॉन्च की, कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री और एम्स के निदेशक भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने कहा यह दवा आशा और उम्मीद की एक नई किरण है, वैज्ञानिकों ने मिसाल कायम की है। कोरोना से जंग में रक्षा मंत्रालय की भूमिका को राजनाथ सिंह ने सराहा, देश के लोगों को आश्वस्त किया, सीमा पर भी हमारी तैयारियां यथावत हैं। 2DG के उत्पादन पर बोले DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी, अभी हफ्ते में 10,000 के आसपास कुल उत्पादन होगा। जी सतीश रेड्डी ने कहा दवाई कोरोना वायरस से संक्रमित कोशिकाओं पर सीधा काम करेगी, शरीर का इम्यून सिस्टम काम करेगा और मरीज जल्द ठीक होगा। जी सतीश रेड्डी ने 2DG दवाई को खाने का तरीका भी बताया, कहा मरीज के वजन और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर कम से कम 5 से 7 दिन सुबह शाम 2 डोज लेनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा बलों, DRDO और डिफेंस सेक्टर के अधिकारियों के साथ बैठक की, कोरोना के खिलाफ तैयारियों की जानकारी ली। केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए 45,000 से ज्यादा वेंटिलेटर, 52 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन और 176 लाख PPE किट्स। देश में बीते 24 घंटों में 6,91,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। रेलवे के अब तक 4,32,000 कर्मचारियों को लगा टीका, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने दी जानकारी। दिल्ली में बंद किए गए कई वैक्सीनेशन सेंटर, कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की वजह से बंद। दिल्ली पुलिस की दरियादिली की तस्वीर सामने आई, पुलिस कांस्टेबल कुलदीप ने दिव्यांग बुजुर्ग महिला को लगाया टीका। कोरोना टीकाकरण को तेज करने के लिए नोएडा में ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू, गाड़ी में बैठे बैठे लोगों को लगाया जा रहा है टीका। चक्रवात की वजह से मुंबई की BKC के कोविड सेंटर को अस्थायी रूप से बंद किया गया, 193 मरीजों को अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। शिमला में 18 प्लस वालों को वैक्सीन लगनी शुरू, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की। पंजाब के गाँव डोके और राजाथल में मेडिकल सुविधाओं की कमी, वैक्सीनेशन जागरूकता ड्राइव के लिए गांव में नहीं पहुंचे स्वास्थ्यकर्मी। देश में बढ़ेगा रेमडेसिविर का उत्पादन, 38 लाख यूनिट्स प्रति महीने से 119 लाख यूनिट्स प्रति महीने तक बढ़ेगा उत्पादन। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 13 राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाई गई, अब तक 10,000 टन ऑक्सीजन राज्यों को पहुंची। 3 खाली ऑक्सीजन टैंकर्स लेकर भारतीय वायुसेना का विमान IL-76 जामनगर से दुबई पहुंचा, ऑक्सीजन लेकर आएगा। भारत सरकार ने ONGC को 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदने की जिम्मेदारी दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बेकार पड़े CNG सिलेंडर्स को मेडिकल ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल की मंजूरी वाली याचिका खारिज की। देश में कोरोना के 24 घंटे में 2,81,000 से ज्यादा केस, 4,106 लोगों की मौत। देश में 26 दिनों बाद आए 3 लाख से कम केस, साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी घटा। दिल्ली में कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 476 मरीजों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में कोरोना के 33,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 335 लोगों की मौत। केरल में 21,402 नए केस, 87 मौतें। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 18,561 लोग नए संक्रमित हुए, 109 मौतें। नागपुर में एक दिन के अंदर 971 मामले आए, 30 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 48 मरीजों की मौत, 1,240 नए मामले आए। ओडिशा में कोरोना के 10,757 नए केस, बीते 24 घंटे में 22 लोगों की मौत। यूपी में टेस्ट ट्रैक और ट्रीट नीति का दिखा असर, पिछले 24 घंटे में अब 10,000 से भी कम मामले।
यूपी बना सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला राज्य। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का टेस्ट हुआ। एमपी में पिछले 24 घंटे में 6000 से ज्यादा केस सामने आए, 11000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। दिल्ली में कोरोना के 4524 नए पॉजिटिव केस, 340 लोगों की मौत। दिल्ली के निजामपुर गांव में 15 दिनों में 40 से 50 लोगों की मौत। स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी के चलते लोग परेशान। दिल्ली विश्वविद्यालय में कोरोना से अब तक 35 शिक्षकों की हुई है मौत। शिक्षकों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग। जम्मू कश्मीर के 2 जेलों में 92 कैदी कोरोना संक्रमित, सभी को अलग बैरिक्स में शिफ्ट किया गया। असम में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6394 नए केस, बीते 24 घंटे में 92 मौतें। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों ने किया योग। आईटीबीपी के स्ट्रेस काउंसलर ने जाना मरीजों का हाल। एमपी में कोरोना वॉरियर्स के लिए मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ति योजना। कोरोना से मौत होने वाले कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को मिलेगी नौकरी। जम्मू कश्मीर में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए मुफ्त कोविड मैनेजमेंट किट, किट में ऑक्सीमीटर, हेल्थ सप्लीमेंट और एंटीबायोटिक मौजूद। अभिनेता रजनीकांत ने कोविड राहत कोष में दिया पैसा। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। हरिद्वार में एक निजी हॉस्पिटल द्वारा 65 कोविड मरीजों की मौत के छुपाने का मामला, उत्तराखंड सरकार ने जांच के आदेश दिए। चंडीगढ़ प्रशासन ने 25 मई सुबह 5 बजे तक बढ़ाया लॉकडाउन, पहले से लागू नियम जारी रहेंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, त्रिशूर और मलप्पुरम में ट्रिपल लॉकडाउन लागू, पॉजिटिविटी रेट ज्यादा होने की वजह से फैसला। आंध्र प्रदेश में इस महीने के अंत तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया। मणिपुर में इम्फाल वेस्ट समेत 7 जिलों में 18 से 28 मई तक कर्फ्यू। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और आरएसएस सेवा भारती की पहल, नानकपुरा में जरूरतमंदों और मरीजों को के लिए बनाया जा रहा है खाना। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नोटिस भेजा, सरकारी वकीलों ने 100 बेड के अलग कोविड सेंटर के लिए दायर की थी याचिका। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने के मामले में नवनीत कालरा को राहत नहीं, दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। केदारनाथ धाम के कपाट खुले, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पुजारियों ने पहली पूजा की। वाराणसी में बीएचयू के डॉक्टर्स की पहल, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य जांच और कोरोना को लेकर किया जागरूक। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस से अब तक 15 लोग संक्रमित, एक की मौत। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बयान, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के 100 मरीज भर्ती। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की लोगों से अपील, लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद और अधिक सावधानी बरतें। ब्रिटेन में लॉकडाउन में ढील के बाद छुट्टी मनाने पुर्तगाल रवाना हुए हजारों लोग। यूके और इसराइल से इटली जाने वाले यात्रियों को अब नहीं रहना होगा क्वारंटीन, अमेरिका के यात्रियों के लिए अब भी क्वारंटीन जरूरी। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे नेपाल की पर्वतारोहियों से अपील, लौटते समय कोरोना मरीजों के इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर वापस लाएं। नारदा सिंह ऑपरेशन मामले में गिरफ्तार टीएमसी के 4 नेताओं को जमानत मिली, स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर जमानत दी। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही सीबीआई दफ्तर पहुंची ममता बनर्जी, दफ्तर में किया विरोध प्रदर्शन। ममता के सीबीआई दफ्तर पहुंचने के बाद हजारों टीएमसी कार्यकर्ता भी पहुंचे, सीबीआई के खिलाफ नारे लगाए। सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी की, जवाब में हुआ लाठीचार्ज। टीएमसी वर्कर्स ने जमकर उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां, बंगाल में 30 मई तक लॉकडाउन लागू है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की समर्थकों से अपील, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, कानूनी तरीके से लड़ेंगे लड़ाई। सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन पर बोले राज्यपाल धनखड़, हर मिनट बिगड़ रहे हैं हालात, जल्द बहार हो कानून व्यवस्था। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ पर साधा निशाना, कहा 2024 चुनाव में टिकट पाने के लिए राज्यपाल ने की कार्रवाई। टीएमसी सांसद सुधीर बंदोपाध्याय ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, सांसद सुनील मंडल को पूर्वी बर्धमान सीट से बर्खास्त करने की मांग। कोरोना को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला, कहा पूरी तरह से थक चुके हैं सीएम, उनसे नहीं संभल रहा है बिहार। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अपील, कोरोना महामारी में मिलकर काम करें, इस वक्त राजनीति ठीक नहीं। 20 मई को केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दिलाएंगे शपथ। जम्मू कश्मीर के नागिनसुर में बर्फबारी की वजह से फंसे परिवार तक भारतीय सेना ने पहुंचाई मदद, 11,000 फीट की चढ़ाई पर पहुंचाया खाना। श्रीनगर के खानमूह में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, सुरक्षा बलों ने की थी आतंकियों से सरेंडर करने की अपील। इसराइल की सेना का बयान, गाजा पट्टी में हमला करके 15 किलोमीटर की टनल तबाह की, टनल में रहते थे 9 हमास कमांडर। इसराइल की सेना का दावा, इस्लामिक जिहाद संगठन के एक कमांडर हसम अबू हमिद को मारा गया। हमास ने इसराइल पर की जवाबी कार्रवाई, इसराइल के 2 शहरों पर दागे रॉकेट। हमास के हमले से भारतीय रिसर्चर्स को बचाने के लिए इसराइल के एक क्रिकेट क्लब ने खोला दरवाजा, कहा रिसर्चर्स हमारे परिवार की तरह। चीन की अमेरिका से अपील, गाजा में विवाद को रोकने के लिए सकारात्मक भूमिका निभाएं, यूएन में खूनी संघर्ष को रोकने के प्रयासों का समर्थन करें। रूस के ट्यूमेन शहर में आग का तांडव, 60,000 हेक्टेयर जंगल में फैली आग, कई घर जले। सोने के दाम में 348 रुपए की तेजी, चांदी भी 936 रुपए महंगी हुई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे मजबूत, $1 की कीमत 73.22 रुपए। और सेंसेक्स में 848 अंकों की बढ़त, निफ्टी में भी 245 अंकों का उछाल। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।